नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। न्यायालय पर दोनों पक्षों का है भरोसा। खबर जनपद बलिया से है, जहाँ सिकंदरपुर नगर पंचायत मिलके मोहल्ला में दो पक्षों में चल रहा है जमीनी विवाद। 70 वर्षों से जमीनी विवाद में प्रथम पक्ष शहाबुद्दीन खान हबीब खान का कहना है कि कोर्ट द्वारा हमारे पक्ष में आदेश है, तहसील से लेकर कमिश्नरी व लखनऊ राजस्व विभाग से हमारे पक्ष में आदेश है, लेकिन विपक्ष ने अनुपस्थित में एक पक्ष स्थित का आदेश हो जाने से जमीन पर जाने से विपक्षी समसा के परिवार द्वारा रोका जा रहा है। वहीं द्वितीय विपक्ष समसा व विपक्ष अफजल खान के द्वारा कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के द्वारा कहा गया कि सारा आरोप निराधार है, कोर्ट ने मुझे और मेरे पक्ष में आदेश किए हैं, यह जमीन हम लोगों की पुश्तैनी है। दोनों पक्षों का कहना है कि आदेश के न्यायालय का पालन करेंगे। पक्ष एक तरफ शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है, वहीं विपक्ष समसा के लोग कह रहे हैं कि मुझे भी न्यायालय पर भरोसा है। आइए सुनते हैं पक्ष एवं विपक्ष लोगों की जुबानी। जितना रखा है ये सब आबादी है, डी आबादी लड़ ये डी का नाम से है। हाँ, नाम से, मेरे दादा का नाम से है। किसके नाम से है? लखू खाओ के नाम से है। 50 नंबर है जमीन। नहीं, आप बताइए, आप जानकारी, आप किसके नाम से है? अब्दुल खान का नाम से है। ठीक है, दिखा दीजिए प्रूफ, मांगिए थोड़ा, हम भी देखें इसका प्रूफ। प्रूफ हम दिखा दे रहे हैं अभी, किसके नाम से है? अब्दुल खाओ का नाम। अच्छा, बीच में एक अंसारी भी आ रहा है। उसका कुछ भी नहीं है, वो तो साला फर्जी लड़ता है, उसका कुछ भी नहीं है। स्थगन आदेश किस पर है? स्थगन आदेश ये मेरा दादा का नाम से है। स्टे किस पर है? इसमें कलीमुल्ला फारूक से, मेरा दादा का नाम से। हाँ, इसी जमीन पर है। ये वाला क्यों? ये वाला दोनों पे, उस पे। अभी तो हाल ही हम स्टे लाए लखनऊ से, उसपे भी लाए। ये खारी स्टे किसके तरफ से? स्टे मेरे दादा के नाम से। हाँ, शमसा के नाम से। शमसा? हाँ, मेरे दादा क्या है? मेरे दादी है, मेरे दादा इंतकाल हो चुके हैं। अच्छा, मेरे दादी है, तो मेरे दादी के नाम से स्टे आया। ये लोग फर्जी नाम चढ़वा लिए, हम लोग पता नहीं रही, यही लोग तहसीलदार साहब से हम लोग को पता नहीं चला। जब लोग ये कब फर्जी नाम चढ़वाए हैं? यही अभी हाल ही हुआ है, 2-3 महीना हो रहा है। लेकिन कागज तो इनका बहुत पुराना बता रहा है, सारा कागज जो भी होगा निर्णय वहाँ से, लखनऊ से ना होगा, हाईकोर्ट से। तो मेरे पक्ष में उस पे तातर स्थिति बनाए रखे, ये तहसीलदार के पक्ष में दिया गया, तो तहसीलदार इसको जांच करे, जांच करके जिससे पक्ष में डिग्री हुआ है बार जी से आजमगढ़ से, उसके पक्ष में दिया जाए। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप इधर आइए, बताइए। मेरे पास डिग्री का पेपर दिखाइए, डिग्री का पेपर अभी हम छोड़ देंगे, दिखाइए डिग्री का पेपर। अभी 1.5 महीने के साथ लखनऊ से, अभी 1.5 महीने के साथ अभी लिए है, टाइम लिए 1.5 महीने लिए। आप एक बार रिकॉर्ड रूम से चेक कराएंगे, अगर जिसको कौन कैसे आया है, कैसे हटाया गया है, कैसे आया, कैसे कौन अभी अवेलेबल है, ये सब उसी में दिखेगा। उनका पेपर मेरे पास भी है, इनके पास भी है, दोनों लोगों को दोनों ये बता रहे मेरे पास है। हम सत्यता क्या है अब ये कोर्ट बताएगा। हाँ, ये कोर्ट बताएगा। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? सिकंदरपुर। किस मोहल्ले में? मिल्की मोहल्ला के। वार्ड नंबर कौन? वार्ड नंबर 12। खान साहब ये बताइए, आपके यहाँ एक जमीन से संबंधित मामला है। हाँ, क्या मामला है जो आप लोग कोर्ट कचहरी में? फारूक अंसारी जो है, मैंने हमारे बाप दादा के नाम पर चढ़कर दिखा रहे हैं कि हमारा है। हम कौन? फारूक अब्दुल मजीद के लड़के हैं। किस बिरादरी से? जात के अंसारी हैं। और आप? पठान बिरादर खान साहब हम। आप पठान है और फारूक अंसारी है। हाँ, तो किस बेस पर जो है जमीन दिखा रहे हैं कि हमारा है? वो क्या किए कि मुकदमा कर तरमिसानी से आ गए, कमिश्नर ने दिया हमको तक्की खां साबिर खां को, वो भी आदेश पर वो भी चढ़ गया, चढ़ने के बाद दिखा रहा है कि हम ही मालिक हैं। 68 में जो तक्की खां साबिर खां को दिया वो भी मतलब वही चढ़ गया, चढ़ के दिखा रहा है कि हम ही मालिक हैं। कमिश्नर कहा कि साबुत लेके इसको तय किया जाए। 7/24 को उसको तय हुआ, एक गट्टा छूट गया 2/11, वो दिखा रहा है कि प्रतीकी जमीन है, उससे मांगा जा रहा है पेपर, तो पेपर नहीं दे रहा है, आऊ मऊ कर रहा है, कह रहा है कि मेरा ये अंडसंड कागज दिखा रहा है। कहाँ पे? SDM महोदय के। अच्छा, SDM साहब क्या कर रहे हैं? SDM साहब जांच पड़ताल किए हैं, अब देखो क्या कर रहे हैं। कहाँ कहाँ मुकदमा चलता है? मुकदमा चल रहा है, बलिया चल रहा है, आजमगढ़ भी चलता था, सिकंदरपुर
एसडीएम में चलता था, नायब में चल रहा था, तहसीलदार में, तहसीलदार वाला फाइनल हो गया, एसडीएम में भी चल रहा है, नायब में भी चल रहा है, बलिया चल रहा है, तीन किता मुकदमा, और वही लोग मुकदमा किए हैं, हम लोग पार्टी भी नहीं बनने दे रहे हैं बलिया में। लखनऊ भी आपको, लखनऊ जो 24/7 को आदेश हुआ हमारा, उस पर जाके लोग लखनऊ में मुकदमा दाखिल किए शहाबुद्दीन पर, स्थगन आदेश लिए हैं क्या उसी पर? उसी पर आदेश लिए हैं, आपके आदेश के खिलाफ जो है स्थगन आदेश लिए हैं, आदेश लिए। अब इस समय क्या आप चाहते हैं? हम 2/11 जो छूटा है उसको चढ़वाना चाहते हैं, इसलिए कि 50 के युद्ध में है, उसको हमारा बाप दादा के नाम से बोल रहा है, हमारा है पुराना भी कागज हमारे पास है, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फिर अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि 2/11 जो 25 डिसमिल है हमारा चढ़ जाए, जिसका नाम से ना पेपर दिखा के वही ले ले अपना हो, तो हम बस यही चाह रहे हैं। तो किस बुनियाद पर वो अपना बता रहे हैं कि हमारा इसमें हिस्सा है? वो मुकदमा तरमीसानी से आए हैं, लोग अपने में मुकदमा किए हैं, अपने में गवाह दिए हैं, अपने में सब कुछ किए हैं, करने के बाद दिखा रहे हैं कि हम इसका मालिक हैं। मैंने आपके कागजात के साथ जो है छेड़छाड़ की है? हाँ, कागजात हमारा जो है तहस नहस कर दिए हैं, रिकॉर्ड भी खत्म कर चुके हैं। तो उसकी नकल है आपके पास? हमारे पास नकल जो है, जो थोड़ा बहुत जितना हमारा जानकारी था हमको निकाले हैं, और उसी तरह से पेंटिंग में है, कोई नेपाल कनगोर ने आदेश दे दे के जिसका जिसको दे दिया है, हमारे पास मतलब कुछ नहीं, जो हमारा पास पेपर है वही है, और उसमें कोई 2 पुस हमारा बाप दादा खानदान के नाम बोल रहा है, कहीं 3 पुस है, कहीं 1 पुस है, उसके बाद कोई सुनवाई हम लोग दौड़ते दौड़ते सुनवाई हम लोग का नहीं हो रहा है। यहाँ आप अस्थायी निवासी हैं? अस्थायी निवासी यहाँ के मतलब कि हम पुराना निवासी हैं, हमारा खानदानी चला आ रहा है, हम यहाँ के जमदार थे, इसका लगान वसूलते थे हमारे बाप दादे, उसके बाद लगान वसूल के सरकार के पहुँचाते थे, हम लोग जिम्मेदार थे यहाँ पर के। कहीं जमींदारी प्रथा से ही फारूक तो नहीं आ रहे हैं? जमींदारी प्रथा से नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमारे 55 तक नंबर था, 56 नंबर बनाकर अपना मजीद पुत्र हाफिज को दिखा दिया। अच्छा, दस्तावेज को कुछ रचित किए हैं? हाँ, उसमें गलत जो है ढंग से अपना नाम चढ़ा करके और मुकदमा करके जो है आपसे जमीन को हथियाना चाहते हैं। हथियाना चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, तो अगर आप